मेरे प्यारे देशवासियों नमस्कार मन की बात में आप सबका स्वागत है अगर आप मुझसे पूछे कि मेरे जीवन के सबसे यादगार पल क्या रहे तो कितने ही वाक्य याद आते हैं लेकिन इसमें भी एक पल ऐसा है जो बहुत खास है वो पल था जब पिछले साल पंद्रह नवंबर को मैं भगवान बिरसा मुंडा की जन्म जयंती पर उनकी जन्मस्थली झारखंड के उलिहातू गांव गया था इस यात्रा का मुझ पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा मैं देश का पहला प्रधानमंत्री हूं जिसे इस पवित्र भूमि की मिट्टी को अपने मस्तक से लगाने का सौभाग्य मिला उस क्षण मुझे न सिर्फ स्वतंत्रता संग्राम की शक्ति महसूस हुई बल्कि इस धरती की शक्ति से जुड़ने का भी अवसर मिला मुझे एहसास हुआ कि कैसे एक संकल्प को पूरा करने का साहस देश के करोड़ों लोगों का भाग्य बदल सकता है साथियों भारत में हर युग में कुछ चुनौतियां आई और हर युग में ऐसे असाधारण भारतवासी जिनमें जिन्होंने इन चुनौतियों का सामना किया आज की मन की बात में मैं साहस और दूरदृष्टि रखने वाले ऐसे ही दो महानायकों की चर्चा करूंगा इनकी 150वीं जन्म जयंती को देश ने मनाने का निश्चय किया है 31 अक्टूबर से सरदार पटेल का 150वीं जन्म जयंती का वर्ष शुरू होगा इसके बाद 15 नवंबर से भगवान बिरसा मुंडा का 150वां जन्म जयंती वर्ष शुरू होगा इन दोनों महापुरुष ने अलग अलग चुनौतियां देखी लेकिन दोनों का विजन एक था देश की एकता साथियों बीते वर्षों में देश ने ऐसे महान नायक नायिकाओं की जन्म जयंतियां को नई ऊर्जा से मनाकर नई पीढ़ी को नई प्रेरणा दी है आपको याद होगा जब हमने महात्मा गांधी जी की 150वीं जन्म जयंती मनाई थी तो कितना कुछ खास हुआ था न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर से अफ्रीका के छोटे से गांव तक विश्व के लोगों ने भारत के सत्य और अहिंसा के संदेश को समझा उसे फिर से जाना उसे जिया नौजवानों से बुजुर्गों तक भारतीयों से विदेशियों तक हर किसी ने गांधी जी के उपदेशों को नए संदर्भ में समझा नई वैश्विक परिस्थितियों में उन्हें जाना जब हमने स्वामी विवेकानंद जी की 150वीं जन्म जयंती मनाई तो देश के नौजवानों ने भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक शक्ति को नई परिभाषाओं में समझा इन योजनाओं ने हमें ये एहसास एह दिलाया कि हमारे महापुरुष अतीत में खो नहीं जाते बल्कि उनका जीवन हमारे वर्तमान को भविष्य का रास्ता दिखाता है साथियों सरकार ने भले इन महान विभूतियों की 150वीं जन्म जयंती को राष्ट्रीय स्तर पर मनाने का निर्णय लिया है लेकिन आपकी सहभागिता ही इस अभियान में प्राण भरेगी इसे जीवंत बनाएगी मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि आप इस अभियान का हिस्सा बने लोहपुरुष सरदार पटेल से जुड़े अपने विचार और कार्य #सरदार150 सरदार वन फिफ्टी के साथ साझा करें और धरती अबा बिरसा मुंडा की प्रेरणाओं को हैशैग बिरसा मुंडा वन फिफ्टी के साथ दुनिया के सामने लाए आइए एक साथ मिलकर इस उत्सव को भारत की अनेकता में एकता का उत्सव बनाएं इसे विरासत से विकास का उत्सव बनाएं मेरे प्यारे देशवासियों आपको वो दिन याद जरूर होंगे जब छोटा भीम टीवी पर आना शुरू हुआ था बच्चे तो इसे कभी भूल नहीं सकते कितना एक्साइटमेंट था छोटा भीम को लेकर आपको हैरानी होगी कि आज ढोलकपुर का ढोल सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दूसरे देश के बच्चों को भी खूब अट्रैक्ट करता है इसी तरह हमारे दूसरे एनिमेटेड सीरियल्स कृष्णा हनुमान मोटू पतलू के चाहने वाले भी दुनिया भर में हैं। भारत के एनिमेशन कैरेक्टर्स यहाँ की एनिमेशन मूवीज अपने कंटेंट और क्रिएटिविटी की वजह से दुनिया भर में पसंद की जा रही है आपने देखा होगा कि स्मार्टफोन से लेकर सिनेमा स्क्रीन तक गेमिंग कंसोल से लेकर वर्चुअल रियलिटी तक एनिमेशन हर जगह मौजूद है एनिमेशन की दुनिया में भारत नई क्रांति करने की राह पर है भारत के गेमिंग स्पेस का भी तेजी से विस्तार हो रहा है इंडियन गेम्स भी इन दिनों दुनिया भर में पॉपुलर हो रहे हैं कुछ महीने पहले मैंने भारत के लीडिंग गेमर्स के साथ मुलाकात की थी तब मुझे इंडियन गेम्स की अमेजिंग क्रिएटिविटी और क्वालिटी को जानने समझने का मौका मिला था वाकई देश में क्रिएटिव एनर्जी की एक लहर चल रही है एनिमेशन की दुनिया में मेड इन इंडिया और मेड बाय इंडियंस छाया हुआ है आपको ये जानकर खुशी होगी कि आज भारत के टैलेंट विदेशी प्रोडक्शन का भी अहम हिस्सा बन रहे हैं अभी वाली स्पाइडर मैन हो या ट्रांसफॉर्मर्स इन दोनों मूवीज में हरिनारायण राजीव के कंट्रीब्यूशन को लोगों ने खूब सराहा है भारत के एनिमेशन स्टूडियो डिज्नी और वार्नर ब्रदर्स जैसी दुनिया के जाने माने प्रोडक्शन कंपनीज के साथ काम कर रहे हैं साथियों आज हमारे युवा ओरिजिनल इंडियन कंटेंट जिसमें हमारी संस्कृति की झलक होती है वो तैयार कर रहे हैं इन्हें दुनिया भर में देखा जा रहा है एनिमेशन सेक्टर आज एक ऐसी इंडस्ट्री का रूप ले चुका है कि जो दूसरी इंडस्ट्रीज को ताकत दे रहा है जैसे इन दिनों वीआर टूरिज्म बहुत फेमस हो रहा है आप वर्चुअल टूर के माध्यम से अजंता की गुफाओं को देख सकते हैं कोणार्क मंदिर के कॉरिडोर में टहल सकते हैं या फिर वाराणसी के घाटों का आनंद ले सकते हैं ये सभी वीआर एनिमेशन भारत के क्रिएटर्स ने तैयार किए हैं वी आर के माध्यम से इन जगहों को देखने के बाद कई लोग वास्तविकता में इन पर्यटन स्थलों का दौरा करना चाहते हैं। यानी टूरिस्ट डेस्टिनेशन का वर्चुअल टूर लोगों के मन में जिज्ञासा पैदा करने का माध्यम बन गया है आज इस सेक्टर में एनिमेटर्स के साथ ही स्टोरी टेलर्स राइटर्स वॉइस ओवर एक्सपर्ट्स म्यूजिशियंस गेम डेवलपर्स वी और ए एक्सपर्ट्स उनकी भी मांग लगातार बढ़ती जा रही है इसलिए मैं भारत के युवाओं से कहूंगा अपनी क्रिएटिविटी को विस्तार दे क्या पता दुनिया का अगला सुपरहिट एनिमेशन आपके कंप्यूटर से निकले अगला वायरल गेम आपका क्रिएशन हो सकता है एजुकेशनल एनिमेशन में आपका इनोवेशन बड़ी सफलता हासिल कर सकता है इसी 28 अक्टूबर को यानी कल वर्ल्ड एनिमेशन डे भी मनाया जाएगा आइए हम भारत को ग्लोबल एनिमेशन पावर हाउस बनाने का संकल्प लें मेरे प्यारे देशवासियों स्वामी विवेकानंद ने एक बार सफलता का मंत्र दिया था उनका मंत्र था कोई एक आइडिया लीजिए उस एक आइडिया को अपनी जिंदगी बनाइए उसे सोचिए उसका सपना देखिए उसे जीना शुरू करिए आज आत्मनिर्भर भारत अभियान भी सफलता के इसी मंत्र पर चल रहा है ये अभियान हमारी सामूहिक चेतना का हिस्सा बन गया है लगातार पग पग पर हमारी प्रेरणा बन गया है आत्मनिर्भरता हमारी पॉलिसी ही नहीं हमारा पैशन बन गया है बहुत साल नहीं हुए सिर्फ दस साल पहले की बात है तब अगर कोई कहता था कि किसी कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी को भारत में विकसित करना है तो कई लोगों को विश्वास नहीं होता था तो कई उपहास उड़ाते थे लेकिन आज वही लोग देश की सफलता को देखकर अचंभे में रहते हैं आत्मनिर्भर हो रहा भारत हर सेक्टर में कमाल कर रहा है आप सोचिए एक जमाने में मोबाइल फोन इंपोर्ट करने वाला भारत आज दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर बन गया है कभी दुनिया में सबसे ज्यादा डिफेंस इक्विपमेंट खरीदने वाला भारत आज पचासी देशों को एक्सपोर्ट भी कर रहा है स्पेस टेक्नोलॉजी में भारत आज चंद्रमा के साउथ पोल पर पहुंचने वाला पहला देश बना है और एक बात तो मुझे सबसे ज्यादा अच्छी लगती है वो ये है कि आत्मनिर्भरता का ये अभियान अब सिर्फ सरकारी अभियान नहीं है अब आत्मनिर्भर भारत अभियान एक जन अभियान बन रहा है हर क्षेत्र में उपलब्धियां हासिल कर रहे हैं जैसे इसी महीने लद्दाख के हानले में हमने एशिया की सबसे बड़ी इमेजिंग टेलीस्कोप मैस का भी उद्घाटन किया है ये 4,300 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है जानते हैं इसकी भी खास बात क्या है ये मेड इन इंडिया है सोचिए जिस स्थान पर माइनस थर्टी डिग्री की ठंड पड़ती हो जहां ऑक्सीजन तक का अभाव हो वहां हमारे वैज्ञानिकों और लोकल इंडस्ट्री ने वो कर दिखाया है जो एशिया के किसी देश ने नहीं किया हानले का टेलीस्कोप भले ही दूर की दुनिया देख रहा हो लेकिन ये हमें एक चीज और भी दिखा रहा है और ये चीज है साथियों मैं चाहता हूं आप भी एक काम जरूर करें आत्मनिर्भर होते भारत के ज्यादा से ज्यादा उदाहरण ऐसे प्रयासों को शेयर करिए आपने अपने पड़ोस में कौन सा नया इनोवेशन देखा किस लोकल स्टार्टअप ने आपको सबसे ज्यादा इंप्रेस किया हैशटैग आत्मनिर्भर इनोवेशन के साथ सोशल मीडिया पर यह जानकारियां लिखिए और आत्मनिर्भर भारत का उत्सव बनाइए तो हम सब आत्मनिर्भर भारत के इस अभियान को और मजबूत करते हैं हम वोकल फॉर लोकल के मंत्र के साथ अपनी खरीदारी करते हैं ये नया भारत है जहां इम्पॉसिबल सिर्फ एक चैलेंज है जहां मेक इन इंडिया अब मेक फॉर द वर्ल्ड बन गया है जहां हर नागरिक इनोवेटर है जहां हर चैलेंज एक अपॉर्चुनिटी है हमें न सिर्फ भारत को आत्मनिर्भर बनाना है बल्कि अपने देश को इनोवेशन के ग्लोबल पावर हाउस के रूप में मजबूत भी करना है मेरे प्यारे देशवासियों मैं आपको एक ऑडियो सुनाता हूं हेलो सर नमस्ते सर नमस्ते सर बोलिए सर देखिए जो आपने एफ आई आर नंबर मुझे सेंड किया है इस नंबर के खिलाफ सेवन कम्पलेन हमारे पास आप ये नंबर यूज कर रहे हैं तो मैंने नहीं यूज करता हूँ अभी कहां से बात कर रहे हो सर का, सर वो मगगर में सर कर्नाटक वो मगर में कहा इसके लिए आप अपने स्टेट में रिकॉर्ड कराइए ताकि ये नंबर ब्लॉक कर दिया जाए फ्यूचर में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो ओके यस सर अभी मैं आपको कनेक्ट कर रहा हूँ आपका इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है आप अपने स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराइए ताकि नंबर ब्लॉक कर दिया जाए ओके यस यस सर सर और बताइएगा मैं किसके साथ बात कर रहा हूं? अपना आधार कार्ड मुझे शो कीजिएगा वेरीफाई करने के लिए बताइएगा सर आप, मेरे पास अभी नहीं है सर आधार कार्ड सर प्लीज सर फोन आपके फोन में है नहीं सर फोन में आधार कार्ड की पिक्चर नहीं है आपके पास नहीं सर नंबर याद है आपको सर नहीं है सर नंबर भी याद नहीं है सर हमने सिर्फ वेरीफाई करना है ओके वेरीफाई करने के लिए नहीं सर आप डरिए ना डरिए ना अगर आपने कुछ नहीं किया तो आप डरिए ना हाँ सर हाँ सर अगर आपके पास आधार कार्ड है तो मुझे दिखा दीजिए वेरीफाई कर नहीं सर नहीं सर मैं गाँव का है तो घर में है सर ओके कमिंग जय हिंद इस व्यक्ति के वन साइड वीडियो का रिकॉर्ड करो एज पर द प्रोटोकॉल ओके ये ऑडियो सिर्फ जानकारी के लिए नहीं ये कोई मनोरंजन वाला ऑडियो नहीं है एक गहरी चिंता को लेकर के ऑडियो आया है आपने अभी जो बातचीत सुनी वो डिजिटल अरेस्ट के फरेब की है ये बातचीत एक पीड़ित और फ्रॉड करने वाले के बीच हुई है डिजिटल एरेस्ट के फ्रॉड में फोन करने वाले कभी पुलिस कभी सीबीआई, कभी नारकोटिक्स, कभी आरबीआई ऐसे भांति भांति के लेबल लगाकर बनावटी अधिकारी बनकर बात करते हैं और बड़े कॉन्फिडेंस के साथ करते हैं मुझे मन की बात के बहुत से श्रोताओं ने कहा कि इसकी चर्चा जरूर करनी चाहिए आइए मैं आपको बताता हूं ये फ्रॉड करने वाली गैंग काम कैसे करती है ये खतरनाक खेल क्या है आपको भी समझना बहुत जरूरी है औरों को भी समझाना उतना ही आवश्यक है पहला दाव आपकी व्यक्तिगत जानकारी वो सब जुटा करके रखते हैं आप पिछले महीने गोवा गए थे है ना आपकी बेटी दिल्ली में पढ़ती है है ना वे आपके बारे में इतनी जानकारी जुटा कर रखते हैं कि आप दंग रह जाएंगे दूसरा दाव वहां का माहौल पैदा करो वर्दी सरकारी दफ्तर का सेटअप कानूनी धाराएं वो आपको इतना डरा देंगे फोन पर बातों बातों में आप सोच भी नहीं पाएंगे और फिर उनका तीसरा दाव शुरू होता है तीसरा दाव समय का दबाव अभी फैसला करना होगा वरना आपको गिरफ्तार करना पड़ेगा ये लोग पीड़ित पर इतना मनोवैज्ञानिक दबाव बना देते हैं कि वो सहम जाता है डिजिटल एरेस के शिकार होने वालों में हर वर्ग हर उम्र के लोग हैं। लोगों ने डर की वजह से अपनी मेहनत से कमाए हुए लाखों रुपये घमा दिए हैं कभी भी आपको इस तरह का कोई कॉल आए तो आपको डरना नहीं है आपको पता होना चाहिए कोई भी जांच एजेंसी फोन कॉल या वीडियो कॉल पर इस तरह पूछताछ कभी भी नहीं करती मैं आपको डिजिटल सुरक्षा के तीन चरण बताता हूं ये तीन चरण है रुको सोचो एक्शन लो कॉल आते ही रुको घबराए नहीं शांत रहे जल्दबाजी में कोई कदम न उठाएं, किसी को अपनी व्यक्तिगत जानकारी न दें, संभव हो तो स्क्रीनशॉट लें और रिकॉर्डिंग जरूर करें इसके बाद आता है दूसरा चरण पहला चरण था रुको दूसरा चरण है सोचो कोई भी सरकारी एजेंसी फोन पर ऐसे धमकी नहीं देती ही वीडियो कॉल पर पूछताछ करती है न ही ऐसे पैसा की मांग करती है अगर डर लगे तो समझिए कुछ गड़बड़ है और पहला चरण दूसरा चरण और अब मैं कहता हूं तीसरा चरण पहले चरण में मैंने कहा रुको दूसरे चरण में मैंने कहा सोचो और तीसरा चरण कहता हूं एक्शन लो राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन 1930 डायल करें साइबर क्राइम डॉट गॉव डॉट इन पर रिपोर्ट करें परिवार और पुलिस को सूचित करें सबूत सुरक्षित रखें रुको बाद में सोचो और फिर एक्शन लो ये तीन चरण आपकी डिजिटल सुरक्षा का रक्षक बनेंगे साथियों मैं फिर कहूंगा डिजिटल एरेस जैसी कोई व्यवस्था कानून में नहीं है ये सिर्फ फ्रॉड है फरेब है झूठ है बदमाशों का गिरोह है और जो लोग ऐसा कर रहे हैं वो समाज के दुश्मन है डिजिटल एरेस के नाम पर जो फरेब चल रहा है उससे निपटने के लिए तमाम जांच एजेंसियां राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम कर रही है इन एजेंसियों में तालमेल बनाने के लिए नेशनल साइबर कोऑर्डिनेशन सेंटर की स्थापना की गई है एजेंसियों की तरफ से ऐसे फ्रॉड करने वाली हजारों वीडियो कॉलिंग आईडी को ब्लॉक किया गया है लाखों सिम कार्ड मोबाइल फोन और बैंक अकाउंट्स को भी ब्लॉक किया गया है एजेंसियां अपना काम कर रही है लेकिन डिजिटल एरेस के नाम पर हो रहे स्कैम से बचने के लिए बहुत जरूरी है हर किसी की जागरूकता हर नागरिक की जागरूकता जो लोग भी इस तरह के साइबर फ्रॉड का शिकार होते हैं उन्हें ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसके बारे में बताना चाहिए आप जागरूकता के लिए हैश सेफ डिजिटल इंडिया का प्रयोग कर सकते हैं मैं स्कूलों और कॉलेजों को भी कहूंगा कि साइबर स्कैम के खिलाफ मुहिम में छात्रों को भी जोड़े समाज में सबके प्रयासों से ही हम इस चुनौती का मुकाबला कर सकते हैं मेरे प्यारे देशवासियों हमारे बहुत सारे स्कूली बच्चे कैलिग्राफी यानी सुलेख में काफी दिलचस्पी रखते हैं इसके जरिए हमारी लिखावट साफ सुंदर और आकर्षक बनी रहती है आज जम्मू कश्मीर में इसका उपयोग लोकल कल्चर को लोकप्रिय बनाने के लिए किया जा रहा है यहाँ के अनंतनाग की फिरदोसा बशीर जी उनको कैलीग्राफी में महारत हासिल है इसके जरिए वे स्थानीय संस्कृति के कई पहलुओं को सामने ला रही है फिरदोसा जी की कैलिग्राफी ने स्थानीय लोगों विशेषकर युवाओं को अपनी ओर आकर्षित किया है ऐसा ही एक प्रयास उधमपुर के गोरीनाथ जी भी कर रहे हैं एक सदी से भी अधिक पुरानी सारंगी के जरिए वे डोगरा संस्कृति और विरासत के विभिन्न रूपों को सहेजने में जुटे हैं सारंगी की धुनों के साथ वे अपनी संस्कृति से जुड़ी प्राचीन कहानियां और ऐतिहासिक घटनाओं को दिलचस्प तरीके से बताते हैं देश के अलग अलग हिस्सों में भी आपको ऐसे कई असाधारण लोग मिल जाएंगे जो सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए आगे आए हैं डी वैकुंठम करीब 50 साल से चेरियार फोक आर्ट को लोकप्रिय बनाने में जुटे हैं तेलंगाना से जुड़ी इस कला को आगे बढ़ाने का उनका यह प्रयास अद्भुत है चेरियाल पेंटिंग्स को तैयार करने की प्रक्रिया बहुत ही यूनिक है यह एक स्क्रोल के स्वरूप में कहानियों को सामने लाती है इसमें हमारी हिस्ट्री और माइथोलॉजी की पूरी झलक मिलती है छत्तीसगढ़ में नारायणपुर के बुटलू राम माथरा जी अबुज माड़िया जनजाति की लोक कला को संरक्षित करने में जुटे हुए हैं पिछले चार दशकों से वे अपने इस मिशन में लगे हुए हैं उनकी ये कला बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और स्वच्छ भारत जैसे अभियान से लोगों को जोड़ने में भी बहुत कारगर रही है साथियों अभी हम बात कर रहे थे कैसे कश्मीर की वादियों से लेकर छत्तीसगढ़ के जंगलों तक हमारी कला और संस्कृति नए नए रंग बिखेर रही है लेकिन यह बात यही खत्म नहीं होती हमारी इन कलाओं की खुशबू दूर दूर तक फैल रही है दुनिया के अलग अलग देशों में लोग भारतीय कला और संस्कृति से मंत्र मुक्त हो रहे हैं जब मैं आपको उधमपुर में गुंती सारंकी की बात बता रहा था तब मुझे याद आया कि कैसे हजारों मील दूर रूस के शहर याकुत्सक में भी भारतीय कला की मधुर धुन गुंज रही है कल्पना कीजिए सर्दी का एकाद दिन माइनस पैंसठ डिग्री तापमान चारों तरफ बर्फ की सफेद चादर और वहां एक थिएटर में दर्शक मंत्र मुग्ध होकर देख रहे हैं कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम क्या आप सोच सकते हैं दुनिया के सबसे ठंडे शहर या कुछ सक में भारतीय साहित्य की गर्मजोशी ये कल्पना नहीं सच है हम सबको गर्व और आनंद से भर देने वाला सच साथियों कुछ हफ्ते पहले मैं लाहौस भी गया था वो नवरात्रि का समय था और वहां मैंने कुछ अद्भुत देखा स्थानीय कलाकार फलक फलम प्रस्तुत कर रहे थे लाओस की रामायण उनकी आंखों में वही भक्ति उनके स्वर में वही समर्पण जो रामायण के प्रति हमारे मन में है इसी तरह कुवैत में श्री अब्दुल्ला अल बारून ने रामायण और महाभारत का अरबी में अनुवाद किया है ये कार्य मात्र अनुवाद नहीं बल्कि दो महान संस्कृतियों के बीच एक सेतु है उनका यह प्रयास अरब जगत में भारतीय साहित्य की नई समझ विकसित कर रहा है पेरू से एक और प्रेरक उदाहरण है एरलिंदा गार्सिया वहां के युवाओं को भारत नाट्यम सिखा रही है और मारिया वाल्डेस ओडिसी नृत्य का प्रशिक्षण दे रही है इन कलाओं से प्रभावित होकर दक्षिण अमेरिका के कई देशों में भारतीय शास्त्रीय नृत्य की धूम मची हुई है साथियों विदेशी धरती पर भारत के ये उदाहरण दर्शाते हैं कि भारतीय संस्कृति की शक्ति कितनी अद्भुत है ये लगातार विश्व को अपनी ओर आकर्षित कर रही है जहां जहाँ कला है वहां वहां भारत है जहाँ जहाँ संस्कृति है वहाँ वहाँ भारत है आज दुनिया भर के लोग भारत को जानना चाहते हैं भारत के लोगों को जानना चाहते हैं इसलिए आप सभी से एक अनुरोध भी है अपने आसपास ऐसी सांस्कृतिक पहल को हैश कल्चरल के साथ साझा कीजिए मन की बात में हम ऐसे उदाहरण पर आगे भी चर्चा करेंगे मेरे प्यारे देशवासियों देश के बड़े हिस्से में ठंड का मौसम शुरू हो गया है लेकिन फिटनेस का पैशन फिट इंडिया की स्पिरिट इसे किसी भी मौसम से फर्क नहीं पड़ता जिसे फिट रहने की आदत होती है वो सर्दी गर्मी बरसात कुछ भी नहीं देखता मुझे खुशी है कि भारत में अब लोग फिटनेस को लेकर बहुत ज़्यादा जागरूक हो रहे हैं आप भी देख रहे होंगे कि आपके आसपास के पार्कों में लोगों की संख्या बढ़ रही है पार्क में टहलते बुजुर्गों नौजवानों और योग करते परिवारों को देखकर मुझे अच्छा लगता है मुझे याद है जब मैं योग दिवस पर श्रीनगर में था बारिश के बावजूद भी कितने ही लोग योग के लिए जुटे थे अभी कुछ दिन पहले श्रीनगर में जो मैराथन हुई उसमें भी मुझे फिट रहने का यही उत्साह दिखाई दिया फिट इंडिया की यह भावना अब एक मास मूवमेंट बन रही है साथियों मुझे ये देखकर भी अच्छा लगता है कि हमारे स्कूल्स बच्चों की फिटनेस पर अब और ज्यादा ध्यान दे रहे हैं फिट इंडिया स्कूल आवर्स भी एक अनोखी पहल है स्कूल्स अपने फर्स्ट पीरियड का इस्तेमाल अलग अलग फिटनेस एक्टिविटीज के लिए कर रहे हैं कितने ही स्कूलों में किसी दिन बच्चों को योग करवाया जाता है कभी किसी दिन एरोबिक्स के सेशन होते हैं तो एक दिन स्पोर्ट्स स्किल पर काम किया जाता है किसी दिन खो खो और कबड्डी जैसे पारंपरिक खेल खिलाए खेल जा रहे हैं और इसका असर भी बहुत शानदार है अटेंडेंस अच्छी हो रही है बच्चों का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है और बच्चों को मजा भी आ रहा है साथियों मैं वेलनेस की ऊर्जा हर जगह देख रहा हूँ मन की बात के भी बहुत से श्रोताओं ने मुझे अपने अनुभव भेजे हैं कुछ लोग तो बहुत ही रोचक प्रयोग कर रहे हैं जैसे एक उदाहरण है फैमिली फिटनेस आवर का यानी एक परिवार हर वीकेंड एक घंटा फैमिली फिटनेस एक्टिविटी के लिए रहा है एक और उदाहरण इंडिजिनियस गेम्स रिवाइवल का है यानी कुछ परिवार अपने बच्चों को ट्रेडिशनल गेम सिखा रहे हैं खिला रहे हैं आप भी अपनी फिटनेस रूटीन के एक्सपीरियंस #fitIndia फिट इंडिया के नाम सोशल मीडिया पर जरूर शेयर कीजिए मैं देश के लोगों को एक जरूरी जानकारी भी देना चाहता हूँ इस बार 31 अक्टूबर को सरदार पटेल जी की जयंती के दिन ही दीपावली का पर्व भी है हम हर साल 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस पर रन फॉर यूनिटी का आयोजन करते हैं दीपावली की वजह से इस बार 29 अक्टूबर यानी मंगलवार को रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया जाएगा मेरा आग्रह है ज्यादा से ज्यादा संख्या में इसमें हिस्सा लीजिए देश की एकता के मंत्र के साथ ही फिटनेस के मंत्र को भी हर तरफ फैलाइए मेरे प्यारे देशवासियों मन की बात में इस बार इतना ही आप अपने फीडबैक जरूर भेजते रहें ये त्योहारों का समय है मन की बात के श्रोताओं को धनतेरस दिवाली छठ पूजा गुरु नानक जयंती और सभी पर्वों की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी पूरे उत्साह के साथ त्यौहार मनाएं, वोकल फॉर लोकल का मंत्र याद रखें कोशिश करें की त्योहारों के दौरान आपके घर में स्थानीय दुकानदारों से खरीदा गया सामान जरूर आए एक बार फिर आप सभी को आने वाले पर्वों की बहुत बहुत बधाई धन्यवाद मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात आठ बजे आकाशवाणी और दूर